हरियाणा में प्रचार को अब महज 4 दिन का समय बचा है और ऐसे में प्रचार तेजी पकड़ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए रोहतक में रोड शो निकाला। प्रियंका ने इससे पहले अंबाला और हिसार में भी जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों के आने से माहौल गर्माता जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अंबाला पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी कुमारी शैलजा के लिए वोट मांगे। रैली में प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की नोटबंदी जीएसटी जैसे फैसलों से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, साथ ही 5 करोड़ रोजगार भी खत्म हुए हैं। कैसी सरकार है ये, चाहे आप किसानों की बात लें कि 5 साल पहले इन्होंने आपसे क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आपकी आमदनी दुगनी कराएंगे। 5 सालों में क्या किया इन्होंने आपके लिए? नौजवानों को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बना के देंगे, क्या हुआ? 5 करोड़ रोजगार घटे इनके राज में। और नोटबंदी के बाद, सिर्फ नोटबंदी से 50 लाख रोजगार खो दिए नौजवानों ने। जब शहरों में उन्होंने रोजगार खोए और गांव आए, गांव में क्या दिखा कि मनरेगा जैसा एक मजबूत कार्यक्रम, जिसके जरिए आपको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता था, उसको इन्होंने नष्ट करके रख दिया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सरकार बना रही है। इनकी हिम्मत है, अगर इनकी हिम्मत है भाजपा के प्रधानमंत्री की, तो इस चुनाव को मुद्दों पर लड़े, इस चुनाव को विकास पर लड़े, इस चुनाव को जनता की समस्याओं पर लड़े, इस चुनाव रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। इस रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। प्रियंका गांधी ने दीपेंद्र के लिए वोट की अपील की। प्रियंका गांधी ने इससे पहले अंबाला और हिसार में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी के हरियाणा दौरे से प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन आने वाली 23 मई ही तय करेगी प्रियंका गांधी के आने से दीपेंद्र समेत कांग्रेस के प्रत्याशियों को कितना फायदा हुआ। रिपोर्ट खबरें अभी तक। कांग्रेस पार्टी।